तो आप सबको पता होगा कि इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो हमको बिना परमिशन कोई भी काम नहीं करना है, इंडस्ट्री हो या फिर बाहर में भी हो, हमें अगर परमिट है तो हम काम कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से कुछ परमिट जो है 7-8 टाइप के मिलते हैं, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। एक हो गया स्टैंडर्ड क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एक हो गया इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, एक हो गया कन्फाइंड स्पेस वर्क जो कन्फाइंड स्पेस के लिए चाहिए, एग्जामेशन वर्क के लिए चाहिए जो खुदाई के लिए होता है जो हमारा एक्सकैवेटर मशीन से, हॉट वर्क के लिए, हाइट वर्क के लिए, और एसिड वर्क अगर कर रहे हैं, एसिड के में कुछ काम कर रहे हैं या फिर कुछ रेडियो एक्टिव सामान में हम काम कर रहे हैं, जैसे जेरोक्स एक्सरे वैक्सरे हो गया, तो रेडियो एक्टिव के लिए उसको परमिट हमको चाहिए, बिना परमिट हम काम नहीं कर सकते। तो हमारा एक एक को देखते हैं। जो स्टैंडर्ड क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसको शॉर्टकट में बोलते हैं SCC बोलते हैं। तो उसमें ये क्या होता है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है सबके लिए, अगर कोई एरिया में हम काम कर रहे हैं तो एक इंफॉर्मेशन सबको दिया जाता है कि भाई हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई इधर आना मत या फिर डेंजर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल या फिर कोई भी प्रोसेस वाला ये जो SCC हमको इशू कर सकते हैं, जो एरिया रिलेटेड आदमी होगा वही इसको SCC इशू करता है, और सबको ये यहाँ पे पता चल जाता है, टैग लगा जाता है कि यहाँ पे मेन एट वर्क करके टैग लगा जाता है, यहाँ पे आदमी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई जाना आना मत कीजिए। तो ये क्या होता है, जनरली सभी जगह में यूज होता है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल काम हो, मोटर का काम हो, मैकेनिकल का, सिविल का, सभी जगह में क्लियरेंस के लिए ये परमिट हमको जरूरत है। मान लीजिए ये एक वर्कशॉप है, तो ये जो राउंड दिखा रहा है यहाँ पे हमको काम करना है, तो इसी एरिया का जो ओनर है या फिर जो प्रोसेस का हेड है, इसी एरिया में जो भी हेड है वो परमिशन देता है काम करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और बाकी के जो लोग वहाँ पे एसोसिएटेड है उनको भी पता चलता है कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो कोई दूसरा काम यहाँ पे नहीं करना है। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड क्लियरेंस सर्टिफिकेट यूज होता है, ये एक नॉर्मल सर्टिफिकेट है जो सबको इशू करना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर। तो दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे खतरनाक भी, बिना इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट लेके हम काम नहीं कर सकते, अगर इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल काम में हम पावर बंद करके काम करना है तो वहाँ पे परमिट लेके पूरा प्रॉपरली बंद करना पड़ेगा, प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा वोल्टेज है कि नहीं, उसको डिस्चार्ज करके ये काम कर जाते हैं। ये काम मेनली जो भी ट्रेंड आदमी है, कोई टेक्नीशियन वगैरह है, वो इंजीनियर वगैरह है, वही लोग ही करते हैं। मान लीजिए कोई भी काम हम इलेक्ट्रिकल लाइव कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो इसको इलेक्ट्रिकल परमिशन लेके लॉकआउट टैग आउट करके उसके बाद उसके काम करते हैं। तो ये हो गया कि परमिट इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का, बिना परमिट में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं होता है। जो तीसरा हो गया हमारा कॉन्फाइंड स्पेस, कॉन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं आइए एक बार देख लेते हैं। जो कोई भी जगह हो जहाँ पे जाने आने का एक बहुत छोटा मार्ग होता है उसको बोलते हैं कॉन्फाइंड स्पेस। जैसे कि कोई ड्रम हो गया, कोई बड़ा बड़ा वेसल हो गया, कोई छोटा छोटा टैंकी हो गया, जो सेप्टिक टैंक हो गया घर में जो यूज होता है, उसके अंदर जाने और आने का छोटा छोटा रास्ते होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक आदमी बड़े मुश्किल से जाता है और बड़े मुश्किल से आता है, उसी को बोलते हैं कॉन्फाइंड स्पेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे काम करने के लिए एक स्पेशल परमिट जरूरत पड़ता है, कौन सा आदमी अंदर गए उसका एक लिस्ट होता है, बिना कॉन्फाइंड स्पेस परमिट के आदमी अंदर नहीं जाता है। उसके लिए हेल्थ चेकअप भी होता है और ऑक्सीजन लेवल, बहुत सारे प्रिकॉशन भी लिया जाता है कॉन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए। तो चौथा भी हमारा आ गया एग्जामिनेशन का वर्क, जो इसमें जो हमारा एग्जामिनेटर मशीन है उसमें जो खुदाई का काम करते हैं, ये इसलिए जरूरी है कि कहाँ पे अगर मिट्टी हम खुदाई कर रहे हैं तो अंदर में कोई ST केबल हो सकता है, कोई पाइपलाइन हो सकता है ऑयल का, गैस का, या फिर कोई टेलीकॉम का केबल हो सकता है। अगर बिना बताए किसी को अगर हम खुदाई कर देंगे तो हो सकता है ST वाला पावर केबल ब्लास्ट कर सकता है, पाइपलाइन ब्लास्ट कर सकता है, गैस, पानी, कुछ भी होगा अंदर में तो ब्लास्ट करके नुकसान पहुंचा सकता है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ कोई भी जगह में खुदाई करने के लिए वहाँ के एरिया इंचार्ज जो है उससे परमिशन लेना पड़ता है कि भाई हम यहाँ पे खुदाई करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमको परमिट दो, वो पूरा हिसाब से पूरा परमिट के हिसाब से चेक करके आपको परमिशन देता है, यहाँ पे कुछ नहीं, आप यहाँ से खुदाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज होता है एग्जामिनेशन परमिट। तो पाँच नंबर में आता है हमारा हॉट वर्क परमिट। जो भी काम हम कर रहे हैं अगर उसमें कोई चिंगारी निकल रहा है या फिर कटिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, या फिर कोई ग्राइंडिंग मशीन से ग्राइंडिंग कर रहे हैं, सोल्डिंग करने से हीट पैदा होता है और जो ग्राइंडिंग वगैरह करने से जो चिंगारी आग का जो निकल के पड़ता है उसी को बोलते हैं हॉट वर्क परमिट। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पास पास में कोई फ्लेमेबल लिक्विड या फिर कोई फ्लेमेबल चीज़ होगा
तो वहाँ पे आग लगने का चांसेस है। तो इसको हॉट वर्क परमिट में किया जाता है, तो इसके लिए स्पेशल परमिट लिया जाता है कि यहाँ पे हॉट वर्क का काम होगा, तो वहाँ से कोई ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नहीं रहता है, जो भी हमारा एक्सटिंग्विशर वगैरह रख के ये काम किया जाता है। तो 6 नंबर पे आता है हमारा हाइट वर्क परमिट। अगर 1.5 मीटर अगर नीचे काम कर रहे हैं या फिर 1.5 मीटर ऊपर काम कर रहे हैं जमीन का लेवल से, उसको बोलते हैं हाइट वर्क। पहले ये 1.82 मीटर था, लेकिन अभी फिलहाल ये 1.5 हो गया है। अगर हम कहीं पे ऊपर में चढ़ के काम कर रहे हैं 1.5 से ऊपर, तो हमको हाइट वर्क परमिट चाहिए। उसके लिए हाइट वर्क का पास भी होना चाहिए और आपका फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए। तो उसके लिए टेस्ट भी होता है, वो सब आपको पास करना पड़ेगा। तो 7 नंबर पे आता है हमारा एसिड वर्क या फिर रेडिएशन वर्क का परमिट। तो एसिड वर्क में आप सबको पता है कितना खतरा है, रेडिएशन वर्क जैसे हमारा एक्सरे हो गया, कोई भी गामा रेज हो गया, बीटा रेज हो गया, ये सब अगर काम कर रहे हैं तो आपको ये परमिट लेना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ पे कोई आदमी अगर कोई बिना बताए किसी को काम कर दिया, तो कोई दूसरा आदमी अगर अंदर घुस गया तो उसको भी नुकसान हो सकता है, या फिर आपको पता नहीं, आप बिना बताए किसी को आपने किसी में हाथ लगा दिया तो आपको भी नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए जो भी जानकारी आदमी है, वही एरिया का इंचार्ज है, कोई भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। उसको छोड़ के और कुछ परमिट है, जैसे हो गया टेम्परेरी कनेक्शन, जैसे हमारा कोई कुछ घंटे के लिए अगर काम हो रहा है ब्रेजिंग का, ड्रिलिंग का, तो हम टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं, तो उसको एक परमिट लिया जाता है टेम्परेरी कनेक्शन। ये कहीं कहीं जगह यूज होता है, कहीं कहीं जगह यूज भी नहीं होता है। तो ये 2-3 चीज़ है जो हमारा टेम्परेरी कनेक्शन का, लिफ्टिंग शिफ्टिंग जो परमिट है, अगर कोई सामान उठाना है या फिर कहीं जगह से एक दूसरा जगह पे शिफ्टिंग करना है, उसके लिए भी परमिट लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी खतरा है टूट जाने का, अंदर में लोग जाने आना करने के बाद अगर टूट गया तो आदमी के ऊपर गिर सकता है, तो इसके लिए परमिट लेके बैरिकेड लगा के ये सब काम किया जाता है। तो लिफ्टिंग शिफ्टिंग का परमिट बहुत सारे जगह में यूज होता है। और एक अदर चीज़ है व्हीकल राइडिंग और रिपेयरिंग। ऐसे नहीं कि व्हीकल कोई भी आके रिपेयर कर देगा कहीं कोई भी जगह में। तो आप जैसे आपको पता है व्हीकल का एक पास जरूरी होता है हमारा ड्राइविंग करने के लिए, इस तरह से इंडस्ट्रियल अगर काम करेंगे तो अगर रिपेयरिंग काम करते हैं तो भी आपको परमिट का जरूरत पड़ता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको सबको पसंद आया और समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका सवालों का जवाब जरूर देंगे।